सौम्य और सरल स्वभाव की सुमित्रा महाजन का लोकसभा स्पीकर बनना तय हो गया है। गुरुवार को उन्होंने संसद के सबसे अहम पद के लिए नामांकन दाखिल किया और सभी दलों ने उनके नाम पर बेहिचक मुहर लगा दी। आज चुनाव की औपचारिकता पूरी की जाएगी। 2014 में सुमित्रा महाजन आठवीं बार सांसद चुनी गई है। मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर होने जा रही है। सोलहवीं लोकसभा लोकतंत्र की नई मिसाल कायम कर रही है। ग्रीन कार्पेट की ट्रेजरी बेंचेस अरसे बाद एक ही पार्टी के 280 सांसदों से सजी है। बीजेपी के सांसद तो 282 थे, लेकिन गोपीनाथ मुंडे की दुखद विदाई और मोदी के वडोदरा से इस्तीफे के बाद 280 बचे हैं। ये 280 सांसद एक मत होकर बहुमत साबित करते हैं। सोलहवीं लोकसभा में दिलचस्प है कि पहली बार सांसद चुने गए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनकी कैबिनेट में पहली बार चुने गए कई सांसद हैं। सोलहवीं लोकसभा में रिकॉर्ड 315 सदस्य पहली बार चुने गए। इसके अलावा भी कुछ नए रिकॉर्ड मिल सकते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड दोहराया जा रहा है। मोदी सरकार लोकसभा में फिर से स्पीकर की कुर्सी महिला शक्ति को सौंपने जा रही है। लगातार दूसरी बार लोकसभा में महिला स्पीकर का चुनाव भी एक रिकॉर्ड होगा। तय हुआ है कि मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन मोदी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर विराजेंगी। सुमित्रा महाजन बीजेपी की वरिष्ठ सांसद हैं और वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सुमित्रा महाजन ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह के अलावा सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुमित्रा महाजन के नाम का प्रस्ताव किया। बाकी बड़े दलों ने भी सुमित्रा महाजन के नाम पर मुहर लगा दी। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी से, मुख्य पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत किया। सबने कहा हम सहमत है, हम भी साथ देंगे। ये सर्वसम्मति से अनपोज्ड होगा, सुमित्रा जी स्पीकर बनेगा। सुमित्रा महाजन संसद के उन तीन सांसदों में से हैं जो सबसे लंबे समय से संसद में जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 1989 में पहली बार संसद पहुंची सुमित्रा महाजन 2014 में आठवीं बार संसद चुनकर पहुंची है। संसद में मध्य प्रदेश के इंदौर की नुमाइंदगी करने वाली सुमित्रा महाजन का जैसा मिजाज और जो सम्मान है, उस हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं। निर्विरोध सुमित्रा महाजन का स्पीकर चुना जाना तय है। वही अकेली उम्मीदवार है जिन्होंने इस पद के लिए पर्चा भरा है। रास्ता साफ है, बस चुनाव की औपचारिकता बाकी है जो थोड़ी देर बाद पूरी हो जाएगी। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।